पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम शिक्षक ने पूरे हिंदी रीति रिवाजों से अपने एक हिंदू साथी का अंतिम संस्कार किया है। लेकिन इसके पीछे की वजहें जानकर आपको लगेगा कि सच में इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में भाई भाई ही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बनरहट के रहने वाले अशफाक एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। उनके दोस्त संजन कुमार भी यहीं पढ़ाते थे। हालांकि उन दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। संजन कुमार अशफाक से काफ़ी बड़े थे और अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। अब संजन कुमार के परिवार में सिर्फ उनकी 3 बेटियां ही हैं, इसीलिए अशफाक ने एक साथी और एक बेटे की तरह फर्ज निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपना सिर और मूछें भी मुड़वा लीं और स्वर्गीय संजन के परिवार के साथ ही उन्होंने 11 दिन का शोक भी मनाया। अशफाक का कहना है कि संजन कुमार उनके पिता के समान थे, उनसे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अशफाक कहते हैं कि जिस साल स्कूल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा था, उसी साल स्कूल में मेरी नियुक्ति हुई थी। स्कूल में कई लोग ऐसे थे जो धर्म के आधार पर मेरी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे, लेकिन संजन कुमार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। सिर्फ यही नहीं, जब तक मुझे वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला, तब तक मैं उन्हीं के घर पर रुका था। अशफाक ने कहा कि वो धर्म में नहीं बल्कि मानवता में विश्वास करते हैं और ये चीज़ें मैंने संजन कुमार से ही सीखी हैं, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। इस देश में मानवता की ऐसी तमाम मिसालें कायम हैं, बस उसे देखने के लिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करें। धन्यवाद।